दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का सेहरा, प्रचंड जीत का तगमा जो है देश से लेकर विदेशों तक गूंज रहा है कि कैसे बीजेपी ने गुजरात में बड़ी जीत हासिल की है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सऊदी से लेकर अमेरिका के अखबारों में बीजेपी के गुजरात जीतने पर क्या कुछ लिखा जा रहा है, बीजेपी जिस तरीके से गुजरात जीती है उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, न्यूज़पेपर किस तरीके से हेडलाइन बना रहा है विदेशी मुल्कों में, वो जरा आप जान लीजिए। दोस्तों गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, बीजेपी ने गुजरात में रिकॉर्ड लगातार 7वीं बार जीत दर्ज कराई है। बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 182 में से 156 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करा दी। इस जीत को देश के मीडिया के साथ साथ विदेशी मीडिया ने भी प्रमुखता से जगह देनी शुरू कर दी। सबसे पहले आप देखिए कि अखबार जो है पाकिस्तान का अखबार द डॉन ने गुरुवार को आए विधानसभा रिजल्ट को लेकर लिखा कि भारत में हुए अहम चुनावों में विपक्षी पार्टी ने मारी बाजी। द डॉन ने लिखा कि भारत के दो राज्यों के विधानसभा चुनाव और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दिल्ली एमसीडी चुनाव समेत कुछ सीटों पर हुए उपचुनावों का रिजल्ट ये संकेत देता है कि बीजेपी की लोकप्रियता में कमी आई है। वहीं विपक्ष को लेकर लिखा है कि लंबे इंतजार के बाद विपक्ष एकजुट हो रहा है। द डॉन ने लिखा कि बीजेपी ने गुजरात में तो एकतरफा जीत दर्ज की है लेकिन हिमाचल प्रदेश में सत्ता से बाहर हो गई। डॉन ने तंज कसते हुए ये तक लिखा कि गुजरात में बीजेपी के लिए मोदी मैजिक चला तो हिमाचल प्रदेश में क्यों फेल रहा। गुजरात चुनाव के परिणाम को अरब न्यूज ने भी जगह दी है। अरब न्यूज ने लिखा है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में बीजेपी की यह प्रचंड जीत 2024 में होने वाले आम चुनाव में बूस्टर का काम करेगी। वेबसाइट ने लिखा है कि देश के पश्चिम में स्थित राज्य गुजरात में बीजेपी 1995 से सत्ता में है। वेबसाइट ने यह भी आगे लिखा है कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और धार्मिक ध्रुवीकरण के बावजूद इकोनॉमिक ग्रोथ और हिंदू समुदाय में मजबूत पकड़ के कारण पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अरब न्यूज ने आगे ये लिखा कि 2024 आम चुनाव को मद्देनजर पीएम मोदी ने पूरे राज्य में जोरों शोरों से प्रचार किया। अरब न्यूज आगे ये भी हेडलाइन में लिख रहा है दोस्तों कि अपने 2017 में बीजेपी ने जहां 99 सीट पर जीत दर्ज की थी वहीं इस बार पार्टी ने 80% से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। अब आपको दोस्तों बता दें कतर से छपने वाला अल जजीरा क्या लिख रहा है। अल जजीरा लिखता है कि हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में भारी जीत दर्ज की है लेकिन हिमाचल प्रदेश में पार्टी को कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवानी पड़ी। वेबसाइट ने 2024 चुनाव से पहले इसे बीजेपी का मजबूत प्रदर्शन बताया। वेबसाइट ने लिखा कि 2002 के गुजरात दंगे के बाद मोदी ने खुद को हिंदुओं के नेता के रूप में स्थापित किया और 1995 के बाद से बीजेपी ने गुजरात में सभी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी, जो अमेरिका से छपने वाला है, उसने भी लिखा कि गुरुवार को आए चुनावी परिणाम पर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने एक राज्य में जीत हासिल की तो एक में हारी। हेडिंग के साथ दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट ने इस खबर को जगह दी कि एक में जीत तो दूसरे में हार। अखबार ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदुत्ववादी पार्टी गृह राज्य गुजरात में जीत की सिलसिला बरकरार रखने में कायम रही। अखबार ने आगे ये लिखा कि पिछले 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। वॉशिंगटन पोस्ट ने आगे ये भी लिखा कि अगर बीजेपी गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनाने में सफल रहती तो मोदी और बीजेपी की स्थिति और मजबूत होती। अखबार ने आगे लिखा कि अगर बीजेपी दोनों राज्य में जीत दर्ज करती तो 2024 के आम चुनाव में पार्टी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को और मजबूती के साथ ला सकती थी। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन ने गुजरात चुनाव के परिणामों पर हेडिंग दी और लिखा कि मोदी की बीजेपी ने गुजरात में दर्ज की प्रचंड जीत। अखबार ने इस जीत को प्रधानमंत्री के गृह राज्य में सबसे बड़ी जीत बताया। द गार्डियन ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी को बूस्टर डोज दिया। अखबार ने आगे ये लिखा कि बीजेपी की गुजरात में प्रचंड जीत 2024 के आम चुनाव से पहले पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। अखबार ने आगे लिखा कि गुजरात लंबे समय से हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा का गढ़ रहा है जिसने 1995 के बाद से लगातार 7 बार चुनाव में जीत दर्ज की। अखबार ने गुरुवार को आए रिजल्ट को बीजेपी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि भी बताया। ब्रिटेन के न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट ने लिखा कि 2024 लोकसभा चुनाव में पहले गुजरात में मिली प्रचंड जीत बीजेपी के लिए बूस्टर की तरह काम करेगा। तो जापान के निक्केई एशिया न्यूज़पेपर ने लिखा कि बीजेपी 1995 के बाद से गुजरात के विधानसभा चुनाव में अजेय है।
अखबार ने इस जीत का श्रेय पीएम मोदी की लोकप्रियता को दिया। अखबार ने आगे ये भी लिखा कि नरेंद्र मोदी गुजरात में काफी लोकप्रिय हैं, जहां नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले 13 साल तक मुख्यमंत्री गुजरात के रहे। जापान के डेली न्यूज़पेपर ने आगे ये लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के होने की वजह से राज्य के कई लोग पीएम मोदी को समर्थन कर अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ब्लूमबर्ग ने गुजरात चुनाव परिणाम पर हेडिंग देते हुए लिखा कि मोदी की बीजेपी गुजरात में प्रचंड जीत के साथ सत्ता में बरकरार। वेबसाइट ने आगे ये लिखा कि बढ़ती महंगाई के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में प्रचंड जीत दर्ज कर रही है। ब्लूमबर्ग ने यह भी लिखा कि ये जीत नरेंद्र मोदी को तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आने में काफी मदद करेगा, यानी कि 2024 में। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के चुनाव नतीजे जरा भी चौंकाने वाले नहीं है। ये कांग्रेस के लिए तो चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन जो 17 सीटों तक सिमट आई है, लेकिन 52% वोट लेकर बीजेपी ने बता दिया कि वो 7वीं बार गुजरात की सत्ता संभालने को तैयार है। गुजरात विधानसभा चुनाव के अकेले शोमैन नरेंद्र मोदी रहे, जिन्होंने हर बार की तरह साबित किया कि उनके बिना गुजरात नहीं जीता जा सकता है। कुछ लोग इसका श्रेय बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह और साफ सुथरी छवि वाले सीएम भूपेंद्र पटेल को भी देंगे, लेकिन हकीकत में इस जीत का श्रेय मोदी को ही जाता है। गुजरात में इससे पहले 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 55.55% वोट लेकर 139 सीटें जीती थी, लेकिन मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2022 में उस रिकॉर्ड को ध्वस्त करने जा रही है। उसे 150 से ज्यादा सीट मिलने पर जिस तरीके का रिकॉर्ड बनाया है, ये शायद इससे पहले किसी ने बनाया हो। ये काम कोई राजनीतिक शोमैन ही कर सकता है। हालांकि इस प्रचंड जीत का श्रेय खुद मोदी और अमित शाह पार्टी कार्यकर्ता को भी देंगे, लेकिन हकीकत यही है कि मोदी ने यह प्रचंड जीत दिलाई है। गुजरात चुनाव को पीएम मोदी ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया था, खुद पूरी व्यू रचना रची थी। अमित शाह बस जहां तहां नजर आए, हर चुनाव में आरएसएस को श्रेय देने का चलन या उसकी व्यू रचना की बात जाती रही, लेकिन गुजरात में वो ना प्रत्यक्ष और ना ही अप्रत्यक्ष कहीं दिखाई दिया। गुजरात में घर घर मोदी हो गया। गुजरात की जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, मोरवी हादसे को ताक पर रखकर बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया। चुनाव आयोग के अधिकारी आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 156 सीटों पर विजय मिली है और कुछ ने डाला है 158। अभी तक जो है नतीजे आए हैं वो ये बता रहे हैं दोस्तों कि 158 सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल किया। 2017 के चुनावों में मोदी का साथ सौराष्ट्र ने नहीं दिया था और वहां कांग्रेस बहुत मजबूत होकर उभरी थी। इस बार बीजेपी ने सौराष्ट्र में कांग्रेस को धूल चटा दी। यही नहीं, उत्तरी गुजरात में भी इस बार बीजेपी का ही बोलबाला रहा। इस तरह तो भविष्यवाणी गलत साबित हुई, तो उत्तरी गुजरात खासकर सौराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति को खराब बता रही है। सूरत में बीजेपी से कारोबारियों के नाराज होने की खबरें आम थी, लेकिन अंत में कारोबारियों के जिले ने भी बीजेपी का ही साथ दिया। अब हर राज्य के चुनाव में एक चलन हो गया है, पहले बीजेपी के लिए हालात प्रतिकूल बनाए जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे गति पकड़ती है और अंत में मोदी एक नायक की तरह आकर सब कुछ संभाल लेते हैं। बीजेपी ने भी इस बार करीब 30% पुराने चेहरे का टिकट काटकर नए लोगों को मैदान में उतारा और बड़े पैमाने पर असंतुष्ट सामने आए। हालांकि यही चीजें हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिली, लेकिन हिमाचल में बीजेपी जिस तरीके से कई लोगों का पत्ता काटते हुए नजर आई और पत्ता काटने के बाद बीजेपी के खिलाफ बगावत जो शुरू हुआ, और वो बगावत हिमाचल में इस तरीके से आया कि कांग्रेस वहां पर जीत गई, लेकिन गुजरात में ये चीजें नजर नहीं आई। गुजरात में सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक ही दिखाई दिया, मोदी फैक्टर ही दिखाई दिया, जिसको लेकर आज तमाम अखबारों में मोदी को लेकर तमाम तरीके के हेडलाइन डाले गए हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।